लेफ्ट क्लिक कर लेंगे, अभी क्लिक करके ड्रैग करेंगे उसको, क्लिक कर लेफ्ट बटन या टच पैड के लेफ्ट बटन को दबा के रखेंगे तब तक जब तक वह हमारी लाइन क्या ना हो जाए, इरेज ना हो जाए, साइज कैसे बताया, मिट ना जाए। आप शॉर्टकट कमांड के द्वारा भी इसके साइज को बढ़ा सकते हैं, कंट्रोल प्लस प्लस और माइनस करेंगे तो क्या होगा, छोटी। हाँ, ये शॉर्टकट कमांड हम आगे सीखेंगे, आप लोग ट्रेनर हो तो आपको यहीं पे बता दिया जा रहा है, पर उनको यहाँ है बताना, यहाँ समझाना शुरू कर देंगे ना तो फिर वो सब सब हाथ पहुँच। हाँ, तो उस चीज़ के लिए आपको वीडियो ज़्यादा बेटर है, हमने इस चीज़ को ध्यान में रख के वीडियो डेवलप किया है कि कैसे वो समझ सकते हैं, ये आप लोग समझ सकते हो। अभी देखिए क्या है, स्टार्टिंग में जिसको नहीं पता होगा थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, धीरे धीरे उस चीज़ को समझ में यूटिलाइज किया जाता है, नहीं तो पूरा हाउसपस हो जाता है वो। FN कीबोर्ड में होता है फंक्शन की टाइप का, FN डूडी प्लस कंट्रोल और फिर प्लस प्लस, मतलब FN दबा के रखना है, फिर साथ में कंट्रोल दबाना है और फिर प्लस वाला की दबाना है, तो आपके इरेजर का साइज बढ़ता जाएगा। कंट्रोल प्लस होते हैं इसको कस्टमाइज करते हैं। क्लियर है यहाँ पे, विंडो एक्सपी में भी है, नहीं लैपटॉप में, हाँ लैपटॉप में, इसमें कंट्रोल प्लस प्लस से हो रहा है, हाँ कंट्रोल प्लस और माइनस से, पर इसमें अभी नहीं हो रहा है, कस्टमाइज करना पड़ेगा, हाँ मैंने कंट्रोल प्लस से देखी है, माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, ये सब इसलिए हो रहा है ना, इसको प्लस ये क्लियर है, विंडो एसपी में हो रहा होगा, सेवन में तो ऐसे ही हो रहा है, माइनस हो जा रहा है, प्लस नहीं हो रहा है, ये प्लस वाले इसमें दो हो, मेथड तो यही है, बाकी हम देख लेते हैं जिस सिस्टम में नहीं हो रहा है, नहीं हो जाता है, हो जाता है सर, कंट्रोल प्लस। आपको ये लाइन बनाना है, ऐसे इमेज बनाना है, लाइन टूल के द्वारा बना के दिखा सकते हैं, कि पहले आप तरीके को देखेंगे कैसे बनाना है, बन जाएगा, यहाँ पे वीडियो रोक के पूछेंगे, जैसे उनको समझा दिया आपने लाइन टूल कैसे करना है, क्या चीज है, उनसे पूछेंगे कि क्या आप सभी इस चित्र को बना सकते हैं, अगर उन्होंने कहा हाँ बना सकते हैं, मैं थोड़ी वीडियो को थोड़ी पीछे करूंगा, थोड़ी मिस रह गया तो उसको, अच्छा रुक जाओ, यहाँ से स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं पूछ लूँगा, रुक जाओ।
यहाँ तक जो भी बताया गया ठीक है, कितने प्रॉब्लम को सॉल्व करना बताया गया आपको इस बटन में छोड़ के, इसके बाद जो हम चले लाइन टूल का उपयोग करना सीखा, इरेजर टूल, पेज के साइज को साइज रिसाइज करना, इरेजर के साइज को बड़ा करना छोटा करना, क्लियर है सबको? लाइन टूल को ट्रैक कैसे करेंगे, क्लियर है सबको? क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। देखिए टॉपिक क्लियर करना, आगे पढ़ना अलग बात है, समझना अलग बात है। जब आप समझेंगे तभी समझा पाएंगे। ये नहीं होना चाहिए कि आप टाइम को आगे बढ़ाते जाएं, खत्म करते जाएं। नहीं, यहाँ से जाने के बाद आपको खुद क्लास लेना है। अगर वहां पे नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है ट्रेनिंग कराने में। नहीं आ रहा है आप पूछिए, सब लोग सीखने के लिए आए हैं, मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि अगर आप पूछोगे तो आप फील कर रहे हो कि भाई बाकी कोई तो नहीं पूछ रहा है, मैं पूछूंगा तो क्या पूछूं। ये मत सोचिए, आपके पूछने से जिस जो नहीं पूछ रहे वो भी सीख जाएंगे दोबारा से, वो भी सीखेंगे। आप पूछिए किस चीज को कैसे करेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी आपको अपने फाइल आइए इन बटनों का उपयोग करना सीख लेना, हाइड कर सकते हैं क्लोज को छोड़ के दोनों को। आइए वीडियो जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे करना, आपको जो भी उपयोग करने का तरीका बताया जाएगा आपको करना है कि जैसा दिखाई दे रहा है इससे आप फाइल को हाइड कर सकते हैं। जो माइनस के साइन की तरह दिख रहा है देखकर सीखते हैं उसे क्या कर सकते हैं कि मिनिमाइज बटन से क्या होता है, मिनिमाइज करने के लिए इस बटन से क्या होगा? मिनिमाइज होगा सर। मिनिमाइज का मतलब क्या होता है? मेरा जो पैराग्राफ है सर वो नीचे ये जो पेज है वो क्या होगा एकदम यहां से मिनिमाइज होकर नीचे वाली बार में आ जाएगा, हाइड हो जाएगा। इस नीचे वाले जो जगह पे हाइड होगा इसको क्या कहते हैं? अब इन सब चीजों को हम आगे देखते हैं। नहीं, आप अपने पॉइंटर को वीडियो देखिए पेंट के सीट पर ऊपर दाहिने जहां पर तीन बटन दिए गए हैं इनमें से इस वाले बटन पर जिसे कि मिनिमाइज बटन कहते हैं इस पर अपने पॉइंटर को लेकर आए और फिर टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी फाइल नीचे यहाँ पर टास्क बार के अंदर हाइड हो जाएगी यानी कि छुप जाएगी। आप लोगों ने देख लिया तीन बटन बताया था आप लोगों को, जैसे मिनिमाइज, रिस्टोर और क्लोज बटन। यहाँ पे मिनिमाइज बटन का बता रहे हैं, जब आप लोग मिनिमाइज करते हैं तो क्या होता है फाइल नीचे टास्क बार में। जब आप क्लास में आप करवाओगे बच्चों से कि कैसे मतलब पहले फाइल को मिनिमाइज करवाओगे तो क्या करेंगे, बच्चे मिनिमाइज पे क्लिक कर देंगे, ठीक है? क्लिक करने के बाद क्या होगा उनकी फाइल, वो पूछेंगे सर हमारी फाइल कहाँ है, वो ऑब्वियस क्वेश्चन है सर हमारी फाइल गई कहाँ। किसी को आप बोलोगे टास्क बार में है, आप किसी को नहीं पता कि टास्क बार है कहाँ, तो आप उन्हें बताओगे कि आपकी फाइल यहाँ पे है, आप उनको दिखाओगे कि आपकी फाइल कैसे दिखती है। यहाँ से आप देख के पहचान लोगे कि आपकी ये पेंट की फाइल है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी फाइल ओपन हो जाएगा। पहले वीडियो को दिखाओगे, अगर मान लो कि वीडियो देखने के बाद ही बच्चे नहीं कर पा रहे तो आपको क्या करना है, आपको वहां पे जाना है, हर एक इंडिविजुअल बच्चे के पास जाके आप चेक करोगे कि बच्चे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनको बताओगे कि आपकी फाइल ये यहाँ पे है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको, ठीक है? आप लोग कर सकते हो, फाइल को मिनिमाइज करके दिखाइए।